अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है यहाँ पर जुमे का रोज़ा। आप सबको मेरी तरफ से जुमे का जो रोज़ा है वो बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और चलें आपके साथ जो हूँ मैं अपनी फ्राइडे रोज़ा की रूटीन करती हूँ। और ये रायन प्रॉपर जो है वो आज इसने शलवार कमीज वेयर की है, क्योंकि इसको मैंने कल बताया था कि शलवार कमीज में जो है हम लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो इसलिए ये प्रॉपर शलवार कमीज इसने कहा मामा मुझे आज पहनाए और मैंने फिर जो है आपके साथ अल्लाह नमाज करनी है। और ये माशाल्लाह से अपनी जो है जाए नमाज लेके और अभी यहाँ पर जो है ये नमाज पढ़ने लगा है अपनी मामा के साथ। और ये छोटी दुनिया भी आ गई है। ईशो आपने भी अल्लाह नमाज करनी है? आपने भी अल्लाह नमाज करनी है? हाँ, आपने तो शलवार कमीज नहीं पहनी है, अब आप कैसे अल्लाह नमाज करोगी? मामा ने भी देखो शलवार कमीज पहनी हुई है, राय ने भी शलवार कमीज पहनी हुई है। आप तो पढ़ ही नहीं सकती हो। तो चलें जी, अब नमाज पढ़ते हैं और इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। आज मैं और मेरा बेटा दोनों मिल के अल्लाह नमाज कर रहे हैं। इधर और अब बैठ के थोड़ा सा जो है वो हम पढ़ते हैं कुरान पाक। तो आज माशाल्लाह से मेरे जो हैं वो 18 सपारे कंप्लीट हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने टास्क दिया है कि डेली के जो हैं वो 2 सपारे मैंने पढ़ने हैं, तो माशाल्लाह आज 9वां रोज़ा है, तो उस हिसाब से आज जो है मेरे 18 सपारे डन हो गए हैं। और अभी जो हूँ मैं 19वां बस स्टार्ट करूँगी, बाकी 19 और 20 इंशाल्लाह ताला कल जैसे ही 10 रोज़े कम्प्लीट होंगे तो मेरे जो माशाल्लाह से 20 सपारे हैं वो कम्प्लीट हो जाएंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो कि मैंने अपने आप को एक टास्क दिया था तो वो मेरा जो है वो कम्प्लीट हो गया। और अभी मैंने जो है वो कुरान पाक पढ़ लिया है और अभी देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो क्या एक्टिविटी करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर रायन की जो गाड़ी है वो चार्ज हो रही है और कुछ इस तरह से जो है हम इसको चार्ज करते हैं। रायन बेटे केयरफुल। और ये रहा है इसका शू, और शू भी बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है। और यहाँ पर एक अदद हमारा जो पार्सल है वो भी आया हुआ है, ये भी रिसीव करते हैं। यू नथिंग, ही इज जस्ट प्रेइंग नमाज। से हाय टू अंकल रायन। He's so fresh. How are you? Hot day at work. Oh, really? Okay, come on. So, thank you. Can I take a picture of you? Yes, of course. Thank you. Yeah. Want to get in mommy with it also? Yeah. Okay. Thank you. No problem. Give me a minute. I gotta work. Okay. तो जी ये यहाँ पर हमारी दोनों की पिक्चर लेने लगे हैं। शलवार कमीज। That dress name. Oh. Yeah. Shalwar kameez. Shalwar kameez. Say that word. Shalwar kameez. Shalwar kameez. Shalwar kameez. Say that again. Shalwar kameez. Shalwar kameez. Forget it. Okay. You know that language is. Yeah, of course. Yeah, it's difficult for you. Yeah, it's difficult. Never. Yeah. Okay. Have a great day. You too. Okay. Always thank you. Bye. Okay. Bye. Upstairs. Oh, good. Yeah. Okay. Really so cute. लेके आई थी बाइक के, थोड़ा सा जो है इधर स्कूटर वगैरह चला लें क्योंकि शाल सोई हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसको जो है थोड़ा सा हम स्कूटर चला लेंगे, क्योंकि मुझे माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रहा था ये शलवार में इसमें। और ये है कि हाथ में आ ही नहीं रहा है। और ये हमारे नेबर हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी इनकी आदत है। और वेदर क्योंकि अच्छा है। यस यस बेटा, ओके। ओ रियली? हाँ। अच्छा, टक्कर मारा घर। हाँ। अच्छा, तो खैर वेदर आज अच्छा है इसीलिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कुछ कुछ लोग। और जैसे यहाँ पे गर्मी बढ़ती जाएगी लोगों में भी जो है इजाफा होता जाएगा। तो खैर बस इसको थोड़ी सी राइड दिलवाता हूँ, उसके बाद फिर घर चलते हैं। यस, व्हाई यू पार्क योर स्कूटर हियर? इज दैट योर टाई? इधर। अच्छा, रायन को ना पाकिस्तान जाके उर्दू आ गई है। पहले इसको एक लफ्ज़ भी उर्दू का नहीं आता था और बिल्कुल भी जो है ये उर्दू नहीं बोलता था। और ये इसको लास्ट 2 मंथ्स में ही जो है वो उर्दू आई है। और अब इसको ऐसी उर्दू आई है कि ये जो है इंग्लिश मतलब अभी कम बोलता है और उर्दू जो है वो ज़्यादा बोलता है।
हम लोग बस स्ट्रीट का ही जो है वो एक चक्कर लगा रहे हैं। तो खैर आप लोगों को जब तक नाना बोला जाए कि वीडियो को लाइक कर दें, तो मैंने नोट किया है कि आप लोग लाइक नहीं करते। और यार इतने कम व्यूज़ आप लोग क्यों दे रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और मेरे चैनल पर भी आना है आपने, सेम रूटीन पे, सेम तरह से, सेम डे पे, वैसे ही जैसे आप लोग पहले व्यू करते थे। अभी मेरे व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी कम हो रहे हैं। आई नो कि जाहिर है रमज़ान में इतनी कुछ ख़ास एक्टिविटी नहीं होती है, तो दिखाने के लिए इतनी ख़ास कुछ चीज़ें होती नहीं हैं। तो लेकिन एक इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि अच्छे व्लॉग बनाएं। और अपनी आप लोग कीमती राय भी ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये क्या चीज़ जो है वो आप देखना चाहते हैं। तो खैर बस अभी हम लोग जो है ये बस छोटा सा यहाँ से चक्कर लगाने आए थे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और रायन माशाल्लाह से शलवार कमीज़ में बहुत क्यूट लग रहा था, तो मैंने कहा चलें आपके साथ जो है वो वीडियो करते हैं शेयर। आपको अपने घर का ही नहीं पता है, ये देखें अभी तक रायन को अपने घर का ही नहीं पता चला है, और ये तो अकेला जो है यहाँ पे घूम जाएगा। इधर बच्चों को अकेला छोड़ने में जो है ना वो यही मसला होता है। और ये कितना प्यारा लग रहा है ना सारा व्हाइट हाउस, हमारा घर तो उसी साइड पे है। You want kaka? Kaka. तो इशाल से तो जो है वो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था खाना देख के। और मेरे लिए यहाँ पर जो है एक स्पाइसी से जो प्लेट है चाट की वो रेडी हो रही है। तो यहाँ पर अभी हम लोग कर रहे हैं अफ्तारी। अफ्तारी के साथ ही मैं यहाँ पर जो है कुछ बच्चों के लिए भी कोई ना कोई ऐसे स्नैक्स वगैरह ज़रूर रखते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे स्पाइसी नहीं खाते, स्पेशली रायन, तो वो जो है इस तरह की चीज़ें इंजॉय कर लेते हैं। खैर अफ्तारी करती हूँ फिर मिलते हैं। अच्छा जी यहाँ पर देखिए ये बड़ी ही मज़ेदार सी चीज़ें हैं। ये मेरे हस्बैंड ना पूरा मतलब डब्बा जो है वो बना लेते हैं खाने पीने वाली चीज़ों का। इसमें काफ़ी सारे जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स, नीमको, और मतलब बहुत सारी जो हैं वो चीज़ें हैं, गिनना मुश्किल है। कोई 6-7 पैकेट्स जो होते हैं ना, ये देखिए पेठा भी है, ये देखें ये पेठा भी है, मतलब काफ़ी सारी किस्म की जो है ना वो इसमें चीज़ें होती हैं। और फिर जब हम लोग अपना मूवी टाइम इंजॉय करते हैं, तो मूवी देखते देखते जो है उनको ये खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें इसमें कुछ इस तरह से जो है वो काफ़ी सारी यमी यमी सी जो है वो चीज़ें। खैर जो है जब मूवी वगैरह देखें ना तो फिर अच्छा लगता है, तो अभी हम लोग मूवी ही लगाने लगे थे, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करती हूँ। तो खैर जी यहाँ पर फाइनली हम लोग जो हैं अपनी मूवी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग खाना शाना खा के फारिग हो गए हैं, इशा की नमाज़ पढ़ के सब कुछ कामों से फारिग हो गए हैं, और अभी बस सोने के लिए जो हैं हम लोग बेड पर आए थे। तो यहाँ पर है बच्चों के लिए हम लोगों ने स्पेशली ये मूवी लगा ली, क्योंकि बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें आजकल बड़ी अच्छी लग रही हैं, स्पेशली रायन को। और जब कोई इस तरह की इंटरेस्ट की चीज़ लगा दो तो ये भी सुकून से बैठ जाते हैं, वरना तो जो है ना बच्चों के साथ आप समझ ही सकते हैं कि जिनके बच्चे हैं उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि बच्चे तो बिल्कुल जो है वो बैठने नहीं देते। तो खैर वैसे भी कल हस्बैंड की छुट्टी थी, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो काफ़ी देर जागते रहे। मज़ा आया मुझे भी पर्सनली, काफ़ी टाइम के बाद जो है मैंने मूवी देखी, और उसके बाद यहाँ पर हल्की सी जो है वो भूख स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर कुछ जो कबाब हैं वो मैंने फ्रिज में बना के रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट सा बर्गर या सैंडविच इस टाइप की कुछ चीज़ जो है मेरा खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा सा अपने लिए बना लिया है बर्गर, और साथ में थी इसके ठंडी वाली कोक, की छोटी वाली। यूजुअली यहाँ से इस तरह की जो कोक्स हैं वो कम मिलती हैं, और ये बिल्कुल वो पाकिस्तान की जो है वो याद दिलाती है। तो खैर यहाँ पर इस बर्गर के साथ इंजॉय की मैंने ये कोक, और साथ ही मुझे यहाँ पर जो है वो सुबह हो गई। रात से देखें मैंने आपके साथ ही सुबह कर दी, मतलब सारी रात आप लोगों के साथ ही रही मैं। और खैर अभी जो है यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग ही मैंने बताया था, मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, और उसके बाद बस अभी यहाँ पर तहज्जुद पढ़ूंगी, और उसके बाद जो हूँ फिर मैं अपना नाश्ता वगैरह जो हूँ वो बनाऊँगी। तो खैर यहाँ पर सबसे पहले जो है वो पढ़ते हैं नमाज, और उसके बाद फिर जाके मैं अपनी सहरी बना लेती हूँ। पर्पज़ बस ये होता है कि फजर से पहले पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी पढ़ाई वगैरह डन कर दूँ। अगर बीच में कोई मेरा बच्चा उठ गया तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और डे में
अगर आप ज़्यादा, मैंने ये देखा, मैं पर्सनली ज़्यादा पढ़ूँ कुरान पाक तो मेरे सर में जो है ना वो दर्द सी स्टार्ट हो जाती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मेरी जो तहज्जुद वाली पढ़ाई है वो हो चुकी है डन, और अब चलते हैं हम लोग अपने किचन में और जाकर अपनी जो सहरी है वो बना लेते हैं, ताकि फटाफट से जो है वो सहरी वगैरह खाएँ और उसके बाद दोबारा से जो भी सपारे वगैरह पढ़ना है वो पढ़ के और फ्री हो जाएँ। तो खैर बस अभी यहाँ पर सैरी बनाती हूँ, और आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, होगी फिर मुलाकात, अल्लाह हाफिज़।